अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो यूएचएस एमडी कैट 2023 पेपर, इसका हम लोग बायोलॉजी सेक्शन डिस्कस करने चाह रहे हैं। इस सिलसिले में फर्स्ट टू वीडियोस के अंदर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एमसीक्यू नंबर 1 से लेकर 46 तक। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एमसीक्यू नंबर 1 से 23 तक। नेक्स्ट में हमने डिस्कस किया था एमसीक्यू नंबर 24 से 46 और ये थर्ड वीडियो है फ्रॉम एमसीक्यू नंबर 47 टू 68। फर्स्ट टू वीडियोस के लिंक्स जो हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और इस वीडियो के आखिर में आपको थंबनेल्स की शक्ल में भी मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने एग्जैक्टली यूएचएस की आंसर की को फॉलो किया हुआ है, तो आपको जो है वो आंसर की के बारे में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जो पेपर कोड है, जो पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये पेपर कोड बी है। तो आइए इसको स्टार्ट लेते हैं, लेकिन स्टार्ट लेने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अगर आप मुझसे किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है बायोलॉजी बाय भट्टी। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 47, द प्रेशर रिसेप्टर्स दैट रिसीव डीप प्रेशर स्टिमुलस इन ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड। तो ह्यूमन बॉडी में डीप प्रेशर के जो स्टिमुलस होता है उसको पैसिनियन कॉर्पसल्स जो है रिसीव करते हैं, डीप इनसाइड होते हैं ये। सो दैट इज व्हाई द आंसर वाज बीटा ऑप्शन, पैसिनियन कॉर्पसल्स। एमसीक्यू नंबर 48, सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस। तो सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनको आप डिटरमिन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। सेल के सरफेस के ऊपर, एनिमल सेल्स में इन पर्टिकुलर जो है वो पर्टिकुलर पैटर्न में ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होते हैं। कलेक्टिवली हम लोग इसको ग्लाइकोकैलिक्स का नाम देते हैं। तो ये हर सेल के ऊपर डिफरेंट होते हैं, जिसकी बेस पर हम लोग सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हेल्पर टी लिम्फोसाइट है, उसके सरफेस के ऊपर CD4 साइट मौजूद है। CD4 साइट बेसिकली जो है वो एक 50 किलो डाल्टन का एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। तो हर जो सेल है उसके ऊपर डिफरेंट तरह का ग्लाइकोकैलेक्स मौजूद होता है, यानी अलग अलग तरह के ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होते हैं। जैसे आप ब्लड ग्रुप के अंदर बात करते हैं ए एंटीजन, बी एंटीजन, तो वो जो एंटीजन्स हैं ए बी ब्लड ग्रुप के, वो एंटीजन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। सो दैट इज व्हाई द आंसर वाज चार्ली ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 49 है माइटोसिस अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज ऑब्जर्व्ड इन। ये क्वेश्चन जो है वो यूएचएस ने ओमिट कर दिया, निकाल दिया काउंटिंग में से। और अगर आप इनकी ऑफिशियल आंसर की देखें तो वहां पे लिखा हुआ डिलीटेड, फुल क्रेडिट टू ऑल द स्टूडेंट्स, यानी डिलीट कर दिया लेकिन इसके फुल मार्क्स मिलेंगे हर स्टूडेंट को, चाहे उसने अटेम्प्ट किया या नहीं अटेम्प्ट किया। अब इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी कि उन्होंने माइटोसिस का पूछा हुआ था कि बताएं इन गिवन ऑर्गेनिजम्स में से माइटोसिस किस में पाई जाती है, तो इन चारों में माइटोसिस नहीं पाई जाती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि ये चारों के चारों प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होती बल्कि बाइनरी फिशन होता है। दैट इज व्हाई इनके अंदर जो है वो माइटोसिस तो होती नहीं। तो चारों में से कोई भी ऑप्शन ठीक था ही नहीं, तो टेक्निकली एमसीक्यू ही गलत था। इसलिए यूएचएस ने अपनी गलती मानते हुए इसको ओमिट कर दिया और स्टूडेंट्स को फुल क्रेडिट दे दिया। एमसीक्यू नंबर 50, सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कंपोज्ड ऑफ। तो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल बनी थी पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरेन से, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरेन क्या होता है? लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं जिसमें क्रॉस लिंक्स होते हैं अमाइनो एसिड की चेन्स के, यानी पेप्टाइड के। तो आप देखें कि यहाँ पर प्रोटीन्स पेप्टाइड्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की लॉन्ग चेन्स है, तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। सो दैट इज व्हाई द आंसर वाज बीटा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 51, व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल विल प्ले द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेसोसोम्स जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और किस तरह से करते हैं? मेसोसोम्स के सरफेस के ऊपर इनर साइड पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तो जैसे बाहर से ऑक्सीजन एंटर होती है, ये उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके एटीपी फॉर्म करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए से। तो इस लिहाज से ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है मेसोसोम। सो दैट इज व्हाई द आंसर शुड बी डेल्टा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 52, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मॉडिफाइड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बाय व्हिच सेल ऑर्गेनेल। तो जी जाहिर सी बात है कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जरिए से होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शंस आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन करता है बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स इनटू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स रेस्पेक्टिवली। सो आंसर इज अल्फा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 53 है साइक्लोसिस एंड अमीबाइड मूवमेंट्स आर ड्यू टू। तो साइक्लोसिस और अमीबाइड मूवमेंट्स दोनों माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से हैं। अब यहाँ पर ये बात नोटवर्दी है कि ये जो एमसीक्यू है ये पूछा गया साइटोस्केल्टन के अंदर से। साइटोस्केल्टन एफएससी पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक में डेफिनेटली टॉपिक मौजूद है, सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन अगर आप यूएचएस का 2023 का सिलेबस देखते हैं तो उसके अंदर ये टॉपिक इंक्लूडेड नहीं था। तो टेक्निकली ये यूएचएस के सिलेबस का हिस्सा नहीं था, चाहे एफएससी के सिलेबस का हिस्सा था, लेकिन उसके अंदर से एक एमसीक्यू आया। तो एनीवेज इसका आंसर जो है वो चार्ली ऑप्शन था, माइक्रोफिलामेंट्स। एमसीक्यू नंबर 54 है नंबर ऑफ मेजर लेयर और लेयर्स ऑफ सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज। तो इसका आंसर अल्फा ऑप्शन बनता है 1। लेकिन यूएचएस ने इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया, ओमिट कर दिया है और इसका भी फुल क्रेडिट स्टूडेंट्स को दे दिया। अब इसकी क्या रीजन थी? तो इसकी रीजन ये थी कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में एक दफा आ चुका है, एक ही पेपर में, यानी 2023 के पेपर में ये दो दफा आया, तो उन्होंने एक दफा इसको डिलीट कर दिया और इसका फुल क्रेडिट स्टूडेंट्स को दे दिया है, चाहे उन्होंने इसका आंसर ठीक किया था चाहे इसका आंसर गलत किया था। MCQ number 55 है, most of the monosaccharides form a ring structure when in solution. For example, ribose will form a five-cornered ring known as, तो ribose का जो five-cornered ring होता है उसको ribofurans कहते हैं। Glucopyranose, glucose का ring होता है six-cornered, ये five-cornered ring है, so answer should be beta option. MCQ number 56 है, which statement is true about regarding both starch and cellulose? Statement में हल्का सा सकम है, अबाउट लिख दिया था तो रिगार्डिंग की जरूरत नहीं थी, या रिगार्डिंग लिख दिया था तो अबाउट की जरूरत नहीं थी। एनीवेज आंसर इसका अल्फा ऑप्शन बनता है। दे आर बोथ पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। जियोमेट्रिक आइसोमर्स एक दूसरे के नहीं हो सकते क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो एक तरह की नहीं, डिफरेंट तरह की बॉन्ड है। ग्लाइकोस्टेटिक बॉन्ड है लेकिन वो अलग अलग तरह का ग्लाइकोस्टेटिक बॉन्ड है। चार्ली ऑप्शन का जहां तक ताल्लुक है, दे कैन बोथ बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, तो ह्यूमन स्टार्च को तो डाइजेस्ट कर सकते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। डेल्टा ऑप्शन, दे आर बोथ यूज फॉर एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट्स, स्टार्च तो प्लांट्स में एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट है लेकिन सेलुलोज नहीं है, सो आंसर वाज अल्फा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 57 है, व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड मस्ट बी ब्रोकन फॉर वाटर टू वेपराइज? तो ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों के अंदर ये आपकी सिलेबस के अंदर मौजूद है, एफएससी के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती तो वाटर वेपराइज होता है, सो आंसर वाज चार्ली ऑप्शन। MCQ number 58 आता था, specific heat of vaporization of water plays an important role in the regulation of heat produced by the dash. तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, ऑक्सीडेशन। इसमें कोई लॉजिक इन्वॉल्व नहीं है, ये एफएससी पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की टेक्स्ट बुक ले लीजिए, उसके सेकंड चैप्टर में फर्स्ट ईयर की बुक के बकायदा तौर पे ये टेक्स्ट बुक स्टेटमेंट मौजूद है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर वाले टॉपिक के अंदर, वर्ड टू वर्ड, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट थी नहीं, सो आंसर इज बीटा ऑप्शन। MCQ number 59 है, biologically dash plays key roles in maintaining the integrity of lipid bilayer membranes. तो एक तो ये क्वेश्चन पिक किया गया फेडरल बोर्ड की बुक में से, और उस पर सितम ज़रीफ़ी है कि फेडरल बोर्ड की जो पुरानी किताब थी, ओल्ड सिलेबस था, ये वहां से पिक किया, अब सिलेबस चेंज हो चुका हुआ है और मौजूदा सिलेबस अगर आप फेडरल बोर्ड का देखें तो उसमें आपको हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन नाम की चीज नजर नहीं आती है। एनीवेज हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या होता है? वाटर से अपना सिर्फ कॉन्टेक्ट एरिया रिड्यूस करने के लिए लिपिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि ऊपर से जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं और नीचे से जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं ये एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट आ गई हैं और वाटर के साथ इन कांटेक्ट नहीं, ये वाटर के साथ इन्होंने अपना सरफेस एरिया रिड्यूस कर लिया, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है लिपिड्स की, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक एक्सलूजन। तो इससे जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी आती है और वो अपने आप को मेंटेन कर सकता है। MCQ number 60, energy is dashed by the breakdown of complex molecules into simpler ones. Such reactions are called catabolic reactions. तो catabolic reactions में larger molecules breakdown होते हैं और आप डायग्राम में भी देख सकते हैं energy release होती है, so answer is alpha option. MCQ number 61 आ जाता है, dash forms almost 3/4 of the body by weight. तो body का जो 3/4 weight है जी, that is made up of water. आपकी टेक्स्ट बुक में टेबल मौजूद है चैप्टर 2 के फर्स्ट पेज के ऊपर के सेल के अंदर 70% वाटर मौजूद है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर वाले टॉपिक के अंदर एफएससी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ द वाटर इन द बॉडी इज फ्रॉम 65 टू 89%, तो ये करीबन 3/4 बन जाता है, दैट इज व्हाई द आंसर वाज द अल्फा ऑप्शन। MCQ नंबर 62 है, द मेजर एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज इज, तो ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर से पिक किया। ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप होता है जहां पर जो है वो ग्लूकोज के अंदर फास्फेट आके ऐड होता है फ्रॉम द एटीपी और वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस के अंदर वो हेक्सोकाइनेज होता है, तो हेक्सोकाइनेज बुनियादी तौर पे काइनेज एंजाइम है, सो दैट इज व्हाई द आंसर इज द चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 63 आ जाता है, आउट ऑफ 36 ATPs हाउ मेनी आर प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो ATPs बनते हैं हमारे पास उनकी जो टोटल तादाद होती है वो होती है 32, सो दैट इज व्हाई द आंसर शुड बी द चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 64 है, व्हिच इज द मेजर इवेंट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो मेजर इवेंट है बेसिकली एटीपी सिंथेसिस, अगर आप देखें यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एटीपीज सिंथेसाइज हो रहे हैं, सो आंसर शुड बी द अल्फा ऑप्शन। MCQ नंबर 65 आ जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बेकिंग, तो बेकिंग के अंदर आपको मालूम है यीस्ट यूज की जाती है और यीस्ट जो फर्मेंटेशन करती है दैट इज एक्चुअली द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन की एक टाइप है, सो दैट इज व्हाई द आंसर शुड बी बीटा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 66 से द प्रोवायरस ऑफ एचआईवी इज स्ट्रक्चरली एंड केमिकली मेड अप ऑफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए उसने एचआईवी वायरस की बात नहीं की, उसने प्रोवायरस की बात की है। व्हाट इज अ प्रोवायरस? प्रोवायरस क्या होता है? वायरल डीएनए अटैच टू द होस्ट डीएनए। तो जिससे प्रोवायरस बनता है तो वायरल डीएनए होस्ट के डीएनए से अटैच होता है, और होस्ट इसका ह्यूमन है, और ह्यूमंस का डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और वायरस का डीएनए भी उस टाइम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। सो दैट इज व्हाई द आंसर इज डेल्टा। अगर वो आपसे पूछ लेता द जीनोम ऑफ द एचआईवी, तो डेफिनेटली आपका आंसर अल्फा ऑप्शन होता है, क्योंकि एचआईवी की जो जीनोम है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होती है। लेकिन उसने स्मार्ट क्वेश्चन बनाया, उसने आपसे एचआईवी का नहीं पूछा बल्कि उसके प्रोवायरस का पूछा है। सो दैट इज व्हाई द आंसर शुड बी द डेल्टा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 67 आता है द मॉलिक्यूल्स यूज्ड टू कंट्रोल वायरस ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ एनिमल सेल्स आर। तो जी ये प्रोटीन्स होते हैं मॉलिक्यूल्स, और इनको इंटरफेरॉन्स का नाम दिया जाता है। तो इंटरफेरॉन्स प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे बॉडी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इन डिफेंस अगेंस्ट द वायरसेस। सो आंसर शुड बी अल्फा ऑप्शन। और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है वायरस इज व्हाट टाइप ऑफ एजेंट। तो ये भी एफएससी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक के अंदर फर्स्ट ईयर में चैप्टर 5 के अंदर टेक्स्ट बुक स्टेटमेंट है। इन्फेक्शियस होता है, सो इट शुड बी द बीटा ऑप्शन, इन्फेक्शियस एजेंट। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।